जैसा कि ये प्रॉब्लम हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे, तो इसमें कुछ ऐसा है कि एक वायर है जिसके अंदर करंट का फ्लो जो कि आई करंट का फ्लो है, इसका लेंथ आपको एल दिया हुआ है, और दो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर जो कि आपको दिया हुआ है, एक का पोजीशन प्लस ए है यानी एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक का पोजीशन एक्स एक्सिस के नीचे है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट ओसी, ओसी पे जो फोर्स लग रहा है, ऑफ कोर्स फोर्स कौन सा लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, आईडीएल क्रॉस बी यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स। तो बताइए बी फोर्स का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, पहले इसके वजह से, ये लॉन्ग वायर के वजह से, सपोज दैट इसके वजह से यहां पे एक जनरलाइज केस लेते हैं जो कि यहां से x सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा, उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब इसके वजह से भी यहां पे हम देखेंगे, तो एक के वजह से b1, दूसरे के वजह वैल्यू निकाल लें, तो इसके वजह से ये x एक्सिस के ऊपर वाले पोजीशन पे जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहां से डिस्टेंस, क्योंकि ये जो है क्रॉस है यानी कि इनवर्ड ऑफ द प्लेन होगा, तो इसके वजह से हो जाएगा आपका यूनिट बाय 4 पाई, और यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो आई बाय ए, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये अगर ए है और ये अगर एक्स है, तो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और सपोज डेट ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है, ये इस पे थीटा एंगल क्या है, मतलब ये सबस्टेन कर रहा है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, क्या एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, जब यहां से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को इससे ज्वाइन करते थे, ये आपका क्या हो गया, इसको हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं, ये आपका क्या हुआ थीटा वन, ये आपका हुआ थीटा टू। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अब इस केस में क्या होता है, फॉर लॉन्ग वायर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो क्या हो जाएगा थीटा वन दैट इज इक्वल टू थीटा टू दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में भी वही होगा। अब ध्यान से देखिए, ए मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड, ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। आप ऐसा सोचिए कि एक वायर है जिसका लेंथ एल है, उस पे कितना फोर्स लग रहा है, वही आपसे पूछ रहा है कि फोर्स का एक्सप्रेशन बताइए। तो फोर्स के लिए हमेशा हम यूज करते हैं BIL, बिल। तो यहां पे दिक्कत ये है कि डिस्टेंस भी चेंज कर रहा है, फोर्स भी चेंज कर रहा है, और इस पे दो इनफाइनाइट वायर है, एक का पोजीशन प्लस ए है एग्जैक्टली, उस दूसरा का भी पोजीशन माइनस ए है, बस एक्स एक्सिस के नीचे है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो आई बाय ए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए मत लिख दीजिएगा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स नहीं होगा, एक्स क्या लिए हम, एक जनरलाइज्ड पॉइंट लिए हैं, वही कंसीडर एन एलिमेंट विच इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एक्स डिस्टेंस पे है। अब उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, आई करेंट उसमें मूव कर रहा है, डीएल क्रॉस बी। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, किसके वजह से, इसके वजह से और इसके वजह से। तो
तो इसमें हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस वायर के वजह से जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, सपोज दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम ले लेते हैं के, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो किस पॉइंट पे निकालना है, के पॉइंट पे। सो मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट पॉइंट, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट पॉइंट के, के पॉइंट पे अगर हम इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, तो हमको क्या चाहिए होता है, थीटा वन थीटा टू और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही हमको चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो वायर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, इनवर्ड जा रहा है, तो यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ए नहीं होगा, एक्स नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, लॉन्ग वायर का केस में थीटा वन दैट इज इक्वल टू साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये आपका आ जाएगा, ये क्या आ गया, म्यू नोट बाई 4 पाई करेंट आई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू। तो ये आ गया किसके वजह से, इस वायर के वजह से। अब इस वायर के वजह से भी वही होगा, तो हम निकालते हैं किस वायर के वजह से, ये नीचे वाले पोजीशन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका वैल्यू अगर बी वन क्या है, म्यू नोट बाई 4 पाई करंट आई इसमें मूव कर रहा है, बाय बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये आपका आ जाएगा यहां से म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। सो दिस इज बी वन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट के विच इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ऐसे ही बी टू भी निकाल लेंगे, उसका भी वैल्यू यही आएगा, डिस्टेंस भी वही है, थीटा भी वही हो जाएगा, तो म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय रूट ओवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऑफ कोर्स ये अगर ए है और ये अगर एक्स डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, ये ए है ये एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वापस से फॉर लॉन्ग वायर के केस में थीटा वन दैट इज इक्वल टू थीटा टू दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां पे भी ये आपका आ गया। तो अब तक हम क्या निकाले, अभी तक हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकाले, अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से ये भी क्रॉस है, इसके वजह से भी क्रॉस। अब सपोज दैट ये थीटा एंगल है और ये भी थीटा एंगल, तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, डीएल क्रॉस आर। ये बायर्स ओवर लॉ से हम लाते हैं, क्या जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, डीएल क्रॉस आर। और जब आपको क्या लिखना हो, मैग्नेटिक फोर्स, तो डीएल क्रॉस पी। तो डीएल का डायरेक्शन क्या होता है, तो डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका डायरेक्शन वही है जो करंट का डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन इधर है, पोजीशन वेक्टर, ये आर क्या है, ये आपका क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं, तो करंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है
वो कौन सा होगा? पोजिशन वेक्टर आपका ये है, यानी कि इनिशियल टू फाइनल पॉइंट क्या होता है? आर, दिस इज पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, इसके बीच में एंगल, तो इसके बीच में एंगल क्या है? डीएल का डायरेक्शन ये, इसके बीच में एंगल है आपका थीटा। तो यहां से अगर हम निकालते हैं तो यही वाला एंगल आ जाता है थीटा एंगल। तो इसके बीच में डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, इसके केस में भी वही हो गया, ये पोजिशन वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर, तो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर हम निकालें तो एक के लिए डायरेक्शन ये है, एक के लिए डायरेक्शन क्या होता है? डीएल से आर की तरफ, तो ये एक का डायरेक्शन ये। तो सिंपल सा बात है, एक क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है, अगर इसको हम देखें तो ये क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है, तो ये एसीडब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है। तो यहां से अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करना होगा? डीएल क्रॉस आर, तो वहां से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेंगे, और वही आपसे पूछा है। तो यहां से अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डीएल क्रॉस आर, और डीएल और आर के बीच में एंगल तो आपको पता ही है। अब इसको हम थोड़ा सा और डील करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फोर्स तक पहुंचना है, तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना जरूरी था। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वैल्यू हम निकाल लिए, अब इसको थोड़ा सा और डील करें। अब ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्शन क्या होता है? डीएल क्रॉस आर, और ये हम कहां से लाते हैं? बायोट सावर्ट लॉ से, ये वाला कॉन्स्टेंट टर्म आई, ये सब आपका मल्टीप्लाई में चलता रहता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये आपका आर क्यू होता है, तो ये सब चल रहा होता है। हमको तो सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो ये जो होता है बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होता है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। मतलब कि इसका जो डायरेक्शन होगा, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर। अब डीएल यहां पे क्या है? डीएक्स के तरह, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो डीएक्स है यहां पे, और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू, क्योंकि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो वो जो तीसरा वेक्टर अगर सी है, ए क्रॉस बी अगर कर रहे हैं और वो तीसरा वेक्टर सी है, तो सी जो है, सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी इटसेल्फ। मतलब ये थर्ड वेक्टर जो होता है वो पहले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और सेकेंड वाला है, मतलब कि ए क्रॉस बी में अगर हम बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ए क्रॉस बी दैट इज सिंपली इक्वल टू द थर्ड वेक्टर सी, सो थर्ड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बी इटसेल्फ, मतलब आपस में दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, वही कंसेप्ट हम यूज करते हैं। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं फोर्स का, तो वो करंट के भी परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए हम इस टाइप का फिंगर यूज करते हैं कि ये अगर, अब इसमें डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो यहां एक वर्ड हम यूज करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, मतलब एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, और आर, आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो डीएल वेक्टर, तो ये आपका क्या है? इसके भी परपेंडिकुलर हुआ, इसके भी परपेंडिकुलर हुआ, और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से अगर हम निकालें तो डीएल यानी पोजीशन वेक्टर, इसके भी परपेंडिकुलर हो एक ऐसा वेक्टर जो कि डीएल के भी परपेंडिकुलर हो, तो डीएल के परपेंडिकुलर तो आपको दिख रहा है, ये पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, और डीएल के भी परपेंडिकुलर हो
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो सिंपल सा बात है डीएल के परपेंडिकुलर होगा। और पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर तो हो ही जाएगा। आप कहे कैसे पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ये जो वायर है वो इनवर्ड हो रहा है, तो यहां से ये आपका 3D पिक्चर बन रहा है। तो अगर इस प्लेन में कोई भी पॉइंट अगर रहेगा तो वो इसके तो परपेंडिकुलर हो ही जाएगा। तो यहां पे हम क्या बात किए कि जो थर्ड वेक्टर होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, डीएल के भी होगा, यानी कि डीएल के जगह पे यहां पे क्या है, यहां पे डीएल के जगह पे आपका डीएक्स है, तो डीएक्स के भी परपेंडिकुलर होगा और पोजिशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब सिंपल सा बात है कि यहां पे इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसके भी परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा है तो थीटा किसके बीच का एंगल है, तो यहां से अगर हम निकालें तो ये सपोज दैट ये आपका क्या है थीटा है, तो इसका अगर हम निकालें ये अगर थीटा तो ये भी थीटा और ऑफ कोर्स ये भी थीटा, तो इसका अगर हम नेट वैल्यू निकालें तो सिंपल सा बात है कि इधर एक हो जाएगा साइन थीटा, एक आपका आ जाएगा कोस थीटा। तो सिंपल सा बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, यानी ये जो है 90 डिग्री होगा और ऑफ कोर्स ये भी 90 डिग्री होगा, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर एक एक्स एक्सिस के तरफ है तो दूसरा वाई एक्सिस के तरफ होगा और तीसरा जेड एक्सिस, यानी कि आपस में ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। चाहे हम बात किसकी कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स की भी बात करेंगे तो वो भी आपस में, यानी कि डीएल का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, यानी करंट जिधर मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी एक दूसरे के, यानी कि जो इस पे फोर्स लगेगा फोर्स जो है उन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब थर्ड वेक्टर जो होगा यानी सी वेक्टर वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सपोज दैट ये अगर आपका B1 है और ये आपका B2 है, यानी ये किस किस चीज पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि डीएल पे भी और पोजिशन वेक्टर। तो पोजिशन वेक्टर तो 3D में क्या आ जाएगा, दूसरे प्लेन में आ रहा है, और डीएल के अगर परपेंडिकुलर हमको दिख गया तो आर के परपेंडिकुलर तो वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि आर जो है यहां पे क्या है पोजिशन वेक्टर है, वो दूसरे प्लेन में आ रहा है और ये एक्स वाई प्लेन में है, तो वो कौन सा प्लेन में आएगा, तो वो जेड प्लेन में आएगा। तो जेड अगर एक्स वाई प्लेन में ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका कौन सा है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट ये तो परपेंडिकुलर होगा ही ना, क्योंकि यहां पे क्या है क्रॉस है, यानी कि ये उस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, अंदर जा रहा है, तो इस प्लेन में कुछ भी रहेगा तो उसके तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी पोजीशन वेक्टर के तो हम परपेंडिकुलर शो ही कर रहे हैं। बस यहां पे हमको क्या शो करना है, बस इसके परपेंडिकुलर डीएल, तो इसके परपेंडिकुलर यहां से आपका ये आ गया, ये आपका पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, आई करंट इधर मूव कर रहा है, यानी दोनों के परपेंडिकुलर। अब हमको निकालना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके वजह से B1, इसके वजह से B2, तो ये क्या हो गया, ये अगर थीटा है तो ऑफ कोर्स ये भी थीटा होगा, उसी को तो आगे हम एक्सटेंड किए, तो ये भी थीटा होगा, इसको भी हम आगे एक्सटेंड किए, इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये भी थीटा हो गया। तो सिंपल सा बात, इसका दो कंपोनेंट आ गया। तो अब आप समझिए कि क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, कि दो फोर्स आ गया मैग्नेटिक फोर्स का, डीएल पे भी परपेंडिकुलर था, और अब सिंपल सा बात है एक है इधर एक इधर जा रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, अब बीच से ही पास कर रहा है एक्स एक्सिस। अब यहां से ये जो थीटा वाला एंगल बन रहा है ये भी थीटा है, अब ये आपका क्या है वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक्स एक्सिस। अब इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, B1 का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा B1। अब ध्यान से देखिए, दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, B1 दैट इज सिंपली इक्वल टू B2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इधर हो जाएगा
बी वन साइन थीटा इधर भी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इसके वजह से ये बी टू है तो इधर हो जाएगा इसका एक कंपोनेंट इधर, बी वन कॉस थीटा प्लस बी टू कॉस थीटा इधर आपका हो जाएगा बी टू साइन थीटा। अब एक दूसरे को क्या करेगा, ये वाला वाई एक्सिस वाला एक दूसरे को क्या कर लेगा, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो जो वैल्यू आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, बी वन प्लस बी टू कॉस थीटा। आप ध्यान से देखिए, अब ऐसे सोचिए इतना क्वेश्चन को बहुत अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका दो कंपोनेंट हुआ, इसका एक कंपोनेंट बी वन जिसके साथ थीटा लग रहा है वो कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट बी वन कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट बी वन साइन थीटा। अब ये आपस में एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल आउट, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, एक क्या चाह रहा है तो एक चाह रहा है इस डायरेक्शन में जाए यानी अप द प्लेन, एक क्या कह रहा है डाउन द प्लेन, तो नेट क्या हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू सेम है, बी वन दैट इज सिंपली इक्वल टू बी टू, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का वैल्यू तो सेम ही आ रहा है, ये भी आ रहा है वही, ये भी आ रहा है वही, यानी कि बी वन सिंपली इक्वल टू बी टू बट इट्स डायरेक्शन इज डायरेक्शन के बीच में टू थीटा का एंगल बन रहा है, ये थीटा ये थीटा, इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी नेट का वैल्यू अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा टू बी कॉस थीटा, ये आपका आ गया वैल्यू टू बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए टू का वैल्यू ये आया, बी का म्यू नोट बाय फोर पाए आई बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू, ये आपका आ गया और ये आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अब आपको सिंपली आ गया टू बी कॉस थीटा, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया टू बी कॉस थीटा, और बी वन का वैल्यू बी टू के बराबर है, बी वन दैट इज सिंपली इक्वल टू बी टू, तो यहां से आपका आ जाएगा टू बी कॉस थीटा का वैल्यू तो यहां से आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा टू बी कॉस थीटा, बी का वैल्यू आपको पता है यानी कि बी बी वन या बी टू में कुछ भी रख दें, कॉस थीटा का वैल्यू अब क्या होगा, ये आपका थीटा था तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो क्या होगा, इस ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा देखें ये बड़ा वाला ट्रायंगल में या ये नीचे वाला ट्रायंगल में, क्योंकि दोनों ट्रायंगल तो सेम ही है, कॉस थीटा का वैल्यू तो कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस यानी कि एक्स बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपका ये वाला हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से आपका क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड टू बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा, बी का वैल्यू बस इसमें हम पुट कर देंगे। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, तो यहां से आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर आ गया तो मैग्नेटिक फोर्स का यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा टू बी कॉस थीटा, टू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू नोट बाय फोर पाई टू आई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका एक्स बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर हम इजी करें तो यहां से आपका क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको सिंपली आपका क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड आपका सिंपली आ गया क्या टू इंटू टू फोर हो जाएगा, फोर इंटू म्यू नोट बाय फोर पाए एप्सिलॉन नोट, ये म्यू नोट बाय फोर पाए, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब हम मैग्नेटिक फील्ड का तो वैल्यू ले आए लेकिन आपसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछ रहा है,
आपसे मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है? मैग्नेटिक फोर्स सिंपली इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स का अगर डायरेक्शन यही पूछेगा, तो जैसा कि अभी हम बात किए थे कि ए क्रॉस बी में जब भी हम बात कर रहे होते तो सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इटसेल्फ, सो मैग्नेटिक फोर्स बी फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी एक अगर एक्स एक्सिस में होगा तो दूसरा वाई एक्सिस में होगा और तीसरा जेड एक्सिस में, यानी कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला लास्ट वाले पॉइंट में यही क्वेश्चन पूछा है, लास्ट वाले में यही पूछा है कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स डीएल वेक्टर, डीएल को आप ऐसा समझ सकते हैं कि बी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू अब यहां पे तो डीएक्स हो जाएगा और ये आपका बी फील्ड आपका आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ गया, तो यहां से आपका वैल्यू बहुत क्लियर आ गया कि बी फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दैट इज सिंपली इक्वल टू आई डीएल के जगह पे क्या हो जाएगा आपके डीएक्स और बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू तो हम लेके आए ही हैं, तो डीएल क्रॉस, अब सिंपल सा बात है कि डीएक्स क्रॉस बी हो गया, तो डीएक्स और बी के बीच में यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, वो एक्स एक्सिस की तरफ है और डीएक्स का डायरेक्शन, अब यहां पे आप ध्यान से देखते हैं दोनों का, अब ये डायरेक्शन अगर हम देखें तो डीएक्स क्रॉस बी और बी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों का वैल्यू क्या आ गया, 4 μ0/4π एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहां से अगर हम वैल्यू निकालें किसका, मैग्नेटिक फोर्स का, तो क्या हो जाएगा, आई तो कांस्टेंट टर्म है जो कि करंट इसमें मूव कर रहा है, अब क्या हो जाएगा μ0/4π इंटू 4x dx और ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये df फोर्स हो जाएगा। अब बोथ साइड क्या करें, हम इंटीग्रेट करें और यहां पे x का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम क्या होगा, क्योंकि यहां पे x तो वेरी कर रहा है ना, इसमें जो लेंथ है इसका मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, यानी कि हम क्या लिए हैं, एक कंसीडर किए एक पॉइंट जो कि यहां से x डिस्टेंस पे हो, वो पॉइंट हम कंसीडर किए, तब यहां पे अगर इंटीग्रेट करें ये जो फोर्स है ये df फोर्स ये आपका आ जाए तो कांस्टेंट टर्म ये बाहर हो जाएगा, तो μ0/4π ये कांस्टेंट टर्म था, इसमें 4 भी कांस्टेंट टर्म था, करंट भी कांस्टेंट टर्म था। अब ध्यान से देखिए ये आपका आ गया, 4 भी बाहर ले लिए तो यहां पे आपका क्या आ गया एक्स डीएक्स रूट ओवर तो कैंसिल हो गया, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है, इसमें दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है कि नीचे फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन उसी में अगर प्रेजेंट हो। अब ध्यान से देखिए ये इसको फंक्शन ले लीजिए और इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली न्यूमरेटर में हो, तो हम क्या लगाते हैं सिंपली लॉ, यानी कि यहां पर क्या होना चाहिए था 2x, तो यहां पर अगर 2x होता तो ये आपका 2 यहां पर हो जाता, तो ये अगर ये होता है तो इसका डिफरेंशिएशन जस्ट, अब ध्यान से देखिए कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 और यही एग्जैक्टली आपके न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, तो ये बहुत बेसिक का डिफरेंशिएशन हो। कैसा डिफरेंशिएशन, f डैश x डिवाइडेड बाय fx और ये आपका क्या हो जाता है dfx, तो इसका क्या हो जाता है सिंपली log fx इसका डायरेक्ट आंसर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा log एक्स स्क्वायर एफ एक्स के जगह पे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये चला गया और यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा μ0/4π और 2 बाहर रह जाएगा और आई करेंट, अब इसमें एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है एल हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, ये आपका आ गया क्या मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आ गया, यानी ये आपका आ गया पी फोर्स का वैल्यू।
मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि डीएल के भी परपेंडिकुलर यानी डीएक्स के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से आपका आ जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2 इंटू आई, अपर लिमिट पुट करेंगे तो एल, तो लॉग एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जब हम इसमें जीरो पुट कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस लॉग सिंपली क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो लॉग ए माइनस लॉग बी का यहां प्रॉपर्टीज हम लगा देंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 म्यू नोट बाय 4 पाई करंट आई लॉग ए बाय बी, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई आई करंट, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एल क्या है, इसका लेंथ। तो ये आपका क्या आ गया मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आया। अब क्या कह रहा है कि अगर हम करंट का डायरेक्शन को पलट दें, यानी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब जैसा कि फोर्स क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा डीएक्स के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी करंट के डायरेक्शन को अगर हम चेंज करें यानी डीएक्स को चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, डीएक्स को अगर चेंज किए तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या चेंज होगा, ये आपसे इसका सेकेंड पार्ट। तो डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो डीएल क्रॉस बी। अब डीएल क्रॉस बी, बी का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के तरफ। अब डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, डीएल क्या है जो करंट का डायरेक्शन है, तो डीएल क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वही आपका क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो डीएल क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी कि अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। और इसमें कह रहा है कि अगर इसका डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स, तो जैसा कि आपको पता है कि फोर्स का जो डायरेक्शन होता है आई डीएल क्रॉस बी, तो अगर डायरेक्शन हम इसका पलट देते हैं तो इसके बीच का एंगल क्या बन जाएगा, तो इसके बीच का एंगल बन जाएगा आई डीएल क्रॉस बी साइन 180, और साइन 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, यानी साइन पाई का वैल्यू जीरो होगा। तो अगर इसमें हम करंट का डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो नेट मैग्नेटिक फोर्स बी फोर्स का वैल्यू क्या होगा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 बन जाएगा, डीएल और बी के बीच में एंगल 180 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा जीरो के बराबर होगा। इसका सेकेंड पार्ट में ये पूछा है कि अगर हम करंट का डायरेक्शन को चेंज करते हैं, इफ वी आर द चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स, What will be the magnetic force acting on the wire? So magnetic force, यानी कि net magnetic force which is acting on the wire, that should be equal to zero. और अगर इस direction में है तो इस पर magnetic force का value क्या होगा, simply basic सा हम क्या किए, integration use किए, क्या किए हम, बहुत बहुत easy question था, इसमें हम क्या किए x distance पे जाके हम एक क्या लिए डिस्टेंस लिया और वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाले, इसके वजह से आया B1, इसके वजह से क्या आया B2, और दोनों का वैल्यू सेम था बट डायरेक्शन क्या है एक दूसरे के अपोजिट, तो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आया इधर आया, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आया, तो 2B cos थीटा। उसके बाद हम क्या किए बोथ साइड इंटीग्रेट किए, क्यों, क्योंकि हम क्या लिए थे डायरेक्शन एक जनरलाइज पॉइंट लिए थे, तो उसको बोथ साइड इंटीग्रेट किए और इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन The value of magnetic force that is this, बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन था, फंक्शन था उसका डिफ्रेंसिएशन उसी में मौजूद था, उसमें हम डिफ्रेंसिएट किए और यहां पे वैल्यू आपका क्या आ गया मैग्नेटिक फोर्स, और इसका डायरेक्शन क्या हुआ, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक ऑफ डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू डीएक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों पे परपेंडिकुलर था। और अगर इसका डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो
नेट मतलब इस पे मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा, क्योंकि एंगल क्या बनेगा, साइन 180। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन 1992 में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल